मेरे लिए आज ये सौभाग्य की पल है, भारतवासियों के लिए गौरव का पल है। जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आए, उसके लिए जो जीवन भर जूझते रहे और राजनीतिक दृष्टि से मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे, ऐसे मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश सम्मानित कर रहा है। और बांग्लादेश के जंग के समय मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत के सैन्य ने जो अपना रक्त बहाया था, और हर भारतीय नागरिक इस समय एक प्रकार से बांग्लादेश के सपनों को साकार करने के लिए जूझता था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, विपक्ष में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा देने का जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उसका आज गौरवपूर्ण स्मरण हो रहा है। इसके लिए मैं बांग्लादेश का बहुत बहुत आभारी हूं। वाजपेयी जी का अगर स्वास्थ्य ठीक होता और आज स्वयं यहां मौजूद होते तो इस अवसर को चार चांद लग जाते हैं। और आप सबने प्रार्थना की है अटल जी के स्वास्थ्य के लिए, मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना फलेगी और अटल जी स्वस्थ होकर के फिर से हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। आज के इस अवसर पर ये सबसे बड़े आनंद का विषय है कि उस युद्ध की स्मृति में अवार्ड दिया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है, जो स्वयं एक गौरवशाली मुक्ति योद्धा रहे हैं और उनके हाथों से सम्मान हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। और दूसरी बात, बंगबंधु जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश से लड़ाई लड़ा और जीता, उनकी बेटी की उपस्थिति में यह सम्मान प्राप्त हुआ।